दोस्तों, आप सभी 90 के दशक की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाजों से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था, जिसके दर्शक तब भी सपने देखते थे, आज भी इनके सपने देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां दर्शक इनके सपने देखते हैं, वहीं एक समय ऐसा था जब ये बॉलीवुड के 4 मशहूर अभिनेताओं के साथ शादी करने के सपने देखती थी और उनके साथ अपना घर बसाना चाहती थी, मगर किसी न किसी वजह से इनका ये सपना अधूरा ही रह गया। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ममता कुलकर्णी किन 4 अभिनेताओं के साथ शादी करने के सपने देखती थी और क्यों इनके सपने अधूरे रह गए। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन अभिनेताओं के बारे में। नंबर 1 पर है संजय कपूर। अभिनेता संजय कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है, साथ ही ये उन अभिनेताओं में शामिल है जिनसे अभिनेत्री ममता कुलकर्णी शादी करने का सपना देखती थी, जिसकी वजह थी इनका भोला भाला फेस और अच्छी आदतें। मगर इन्हें ममता कुलकर्णी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने उन्हें मना कर दिया था। नंबर 2 पर है अक्षय कुमार। बॉलीवुड की बेहद ही हैंडसम और डैशिंग अभिनेता अक्षय कुमार ने ममता कुलकर्णी के साथ कई फिल्में की हैं, जैसे अशांत और सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिनमें काम करने के दौरान ममता कुलकर्णी अक्षय की हैंडसम पर्सनालिटी पर मर मिटी थी और इनसे शादी करने के सपने सजाने लगी थी, मगर अक्षय किसी और को डेट कर रहे थे, जिसके चलते उनका इनसे शादी करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। नंबर 3 पर है सलमान खान। बॉलीवुड के भाई जान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के साथ फिल्म करण अर्जुन में काम किया था और इस फिल्म के बाद से ही अभिनेत्री ममता कुलकर्णी सलमान के साथ शादी करने के सपने देखने लगी थी, जिसकी वजह थी सलमान खान की बेशुमार दौलत। मगर सलमान खान उस समय किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहते थे, इसीलिए उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। नंबर 4 पर है नाना पाटेकर। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम आता है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का, जिनकी एक्टिंग पर ममता कुलकर्णी फिदा हो गई थी और इनसे शादी करना चाहती थी, मगर नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे, जिसकी वजह से ममता का सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेताओं के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।